अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यू एम सी उम्मीद मल्टी मीडिया चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करेंगे, जनरल मेथड्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बनाने के दो तरीके होते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। पहले हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी ऐसे सॉल्ट्स जो सोल्यूशन में हल हो जाते हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। पहला मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। अगर हम एक एसिड और मेटल जो है इसका आपस में रिएक्शन करवाएं तो उसके नतीजे में भी सॉल्ट बनता है। दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय मेटल। ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसमें हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन आयन उसकी जगह पर मेटल आ जाती है, यानी हाइड्रोजन को निकाल देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं HCl, ये HCl MgCl2 में चेंज हो गया, H निकल गया, H की जगह पर मेटल मैग्नीशियम जो है वो आ गई। अगर एक एलिमेंट आ जाए और दूसरा निकल जाए, इस तरीके को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी एक एलिमेंट आया और उसने अपनी जगह छोड़ दी, वो निकल गया और दूसरा उसकी जगह पर आ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इस तरीके से हम मेटल्स जो हैं उसको उनके रिएक्शन से हम सॉल्ट्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है। दूसरा सॉल्ट बनाने का तरीका ये है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। पहले हमने स्टेप लिया एसिड और मेटल के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। ये सॉल्ट की तारीफ भी है कि सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और मेटल से जो शय बने वो सॉल्ट कहलाती है। और दूसरा जो मेथड है ये सॉल्ट की तारीफ भी है, एसिड और बेस के रिएक्शन से जो शय बनेगी वो भी सॉल्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन है कि एसिड और बेस मिलते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है, ना एसिड एसिड रह जाता है, ना बेस बेस रह जाता है, नई शय बन जाती है जिसे हम नाम देते हैं सॉल्ट। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। जैसा कि देखें आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ मिलता है तो बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन और OH दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं। तो इस तरह NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट की दो डेफिनेशन मैंने अभी डिस्कस की, नंबर वन एसिड और मेटल के मिलने से जो शय बने वो भी सॉल्ट कहलाती है, दूसरी एसिड और बेस के मिलने से जो शय बनेगी वो भी सॉल्ट बनाती है। तीसरा सॉल्ट बनाने का तरीका है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। यानी मेटालिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो शय कंपाउंड बनाते हैं उससे मेटालिक, जैसे कि आप देखें कॉपर ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, उसके रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड को हम मेटालिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब भी जो शय बनती है उस शय को हम सॉल्ट, ये सॉल्ट की थर्ड डेफिनेशन है। यानी एसिड और आपने देखा एसिड और मेटल मिले, कोई भी मेटल उसमें हम जिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन भी, दूसरा एसिड और बेस मिले तो जो शय बने वो सॉल्ट, तीसरा एसिड और मेटालिक ऑक्साइड। जैसा कि आप देख रहे हैं मोस्टली इंसोलेबल मेटालिक ऑक्साइड, ज़्यादातर मेटालिक ऑक्साइड जो इंसोलेबल होते हैं हल नहीं होते, रिएक्ट विद रिल्यूट एसिड के साथ, पानी वाले एसिड के साथ मिलते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जब ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर सल्फेट CuSO4, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं। इस तरह कॉपर सल्फेट ये भी एक सॉल्ट बन जाता है। तीसरा तरीका, चौथा तरीका जो है वो सॉल्ट बनाने का, और सॉल्ट की डेफिनेशन भी ये है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट। अगर आप गौर करें तो हमने हर रिएक्शन के अंदर एसिड को यूज़ किया, एसिड के साथ मेटल, एसिड के साथ हमने बेस को इस्तेमाल किया, एसिड के साथ हमने मेटालिक ऑक्साइड को इस्तेमाल किया, चौथे तरीके में हम एसिड एसिड और कार्बोनेट का जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन।
ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन रेडिकल, इसमें आयंस का तबादला होता है, दो आयंस का आपस में रिप्लेसमेंट होती है। जैसे यहाँ पर एक आयन है सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है, इसमें भी दो आयन है, एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है, दोनों आयन का आपस में एक्सचेंज होता है, ये आयन इसके साथ मिल जाता है, ये आयन दो आयंस का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज के नतीजे में जो छह बनती है उसे हम नाम देते हैं सॉल्ट। ये देखें इसमें सोडियम नाइट्रेट बना और दूसरा इसमें जो सब्सटेंस बन रहा है वो है सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड भी सॉल्ट है और सोडियम नाइट्रेट जो है वो भी सॉल्ट है। सोडियम नाइट्रेट जो है इसमें सोलेबल सॉल्ट है, ये सॉल्यूशन में हल हो जाता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड के नीचे सॉलिड लिखा हुआ है। सॉलिड का मतलब है ये सॉल्यूशन में वैसे ही बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट होंगे, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो होता है। वन ऑफ द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, इनमें से एक सॉल्ट इनसॉल्युबल है, सॉल्यूशन में हल नहीं होगा, उसके प्रेसिपिटेट असर होंगे, सॉलिड शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। एंड अदर इज द सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि आपने देखा सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कॉपर सल्फेट, जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनमें भी दो आयंस का एक्सचेंज होता है, कॉपर कार्बोनेट के साथ मिल जाता है, बन जाता है कॉपर कार्बोनेट, और सोडियम और सल्फेट मिलकर बना देते हैं सोडियम सल्फेट। अब इसमें जो कॉपर कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है और इसमें जो सोडियम सल्फेट है ये सॉल्युबल है और ये सॉल्यूशन के अंदर हल हो जाता है। इस तरह हम चार तरीकों से सॉल्ट्स को बना सकते हैं।